दोस्तों, जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर में रिंग रोड पर वर्क चल रहा है, उसी लिस्ट में अब एक जिले का नाम और जुड़ने वाला है, वो है बस्ती जिला। लेकिन इसके साथ ही कानपुर रिंग रोड पर भी स्पीड से वर्क जारी है। तो आज की वीडियो में हम बस्ती के नए रिंग रोड और कानपुर रिंग रोड के बारे में जानेंगे, अभी इसके लिए क्या क्या तैयारी चल रही है और अपडेट क्या है। पर आगे बढ़ने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करेंगे बस्ती रिंग रोड की। दरअसल बस्ती जिले में लंबे समय से रिंग रोड की मांग चल रही थी, जो पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पूरी की गई, जहाँ नितिन गडकरी जी ने इस रिंग रोड निर्माण के पहले फेज को मंजूरी दे दी। इसकी लागत लगभग 1138 करोड़ बताई गई है, जहां रिंग रोड के पहले फेज में 4 लेन गोडवा से लेकर सब देहिया हड़िया तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। इसके साथ ही रिंग रोड को स्टेट हाईवे से भी लिंक किया जाएगा, जहां बस्ती जिले में रिंग रोड के निर्माण से यातायात आसान होगा, वहीं विकास की गति भी रफ्तार पकड़ेगी, साथ ही समय की बचत होगी और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर में जाम की समस्या बहुत ही गंभीर है, जिसे सोल्व करने के लिए कानपुर में रिंग रोड का काम स्पीड से जारी है। इस रिंग रोड की लंबाई है 93 किलोमीटर। ये रोड NH-19 के पास संचेती गांव से शुरू होकर इसी पॉइंट पर एंड होता है। ये रोड कानपुर नगर में 62 किलोमीटर, उन्नाव में 27 किलोमीटर और कानपुर देहात में 4 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। ये रोड कानपुर शहर को जोड़ने वाले दूसरे नेशनल हाईवे से जुड़ा होगा, जिसमें NH-19 दिल्ली से कोलकाता, NH-34 और NH-58 शामिल हैं। साथ ही एक स्टेट हाईवे SH-58 भी इस रिंग रोड से कनेक्ट होगा। इस रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन 4 पैकेज में डिवाइड है, जहां NHAI के मुताबिक ये रोड 2025 तक कंप्लीट होगा। फिलहाल अगले साल सचेंदी से मंदाना तक इसके पहले फेज का काम शुरू होगा, जिसकी लागत 840 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही पिछले दिनों 24 किलोमीटर सचेंदी से रामईपुर तक पैकेज 2 के कंस्ट्रक्शन को लेकर बिड्स इनवाइट की गई, जबकि तीसरे और चौथे फेज की टेंडर प्रोसेस अगले साल होगी। कानपुर के इस रिंग रोड को पूरी तरह से कम्प्लीट होने में 10,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। 2025 तक कंप्लीट होने के बाद ये रिंग रोड किफायती और तेज कनेक्टिविटी देने में खास योगदान देगा। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के नए रिंग रोड। आपको इनमें से किसका इंतजार है कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें।